पहली बात तो जो ये छत्तीसगढ़ की सरकार का फैसला है, इसका महत्व तो मैं इस रूप में देखता हूं कि मंडल कमीशन की जो सिफारिशें लागू हुई और उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और एक जो सीमा रेखा तय की गई 50% और जो असल लड़ाई थी सामाजिक न्याय की कि बराबरी की हिस्सेदारी, मैं समझता हूं कि छत्तीसगढ़ सरकार का यह फैसला बराबरी की लड़ाई, बराबरी का हक की लड़ाई की तरफ ले जाने वाला यह बड़ा फैसला है और आगे भविष्य की राजनीति इस फैसले के साथ ही जुड़ी होगी। पहली बात तो ये, और दूसरी बात साथियों कि हमने ये देखा है कि जो सामाजिक न्याय के पक्ष में जो फैसले होते हैं, लेकिन एक बात जो हम लोग एक लैग करते हैं, कमी जो दिखती है, एक कल्चरल जो बाउंड्री तैयार करना है कि जो ये फसल तैयार करते हैं हम लोग सोशल इंपावरमेंट का, पॉलिटिकल इंपावरमेंट का, वो कल्चरल जो इंपावरमेंट है उसका जो एक पूरी जो बाउंड्री खड़ी करनी है, उस अभियान से शायद हम लोग चुक जाते हैं। इसीलिए ये जो फसल उगती है तो हम लोग फिर ये शिकायत करने लगते हैं कि जिनको सामाजिक न्याय का लाभ मिला वो कांवड़िए बन के चले गए, वो तीर्थ यात्रा नहीं कर गए, वो तमाम तरह की जो भी जिनके खिलाफ हम लड़ते रहे हैं उन तमाम कल्चरल फॉर्म को उन्होंने अडॉप्ट कर लिया और ये देखे फिर हम लोग आरक्षण पर खतरे की स्थिति में खड़े हो जाते हैं। साथियों मुझे लगता है कि हम लोगों को इस तरफ ध्यान देना चाहिए और हमने इस फैसले के आलोक में छत्तीसगढ़ सरकार को एक क्या सांस्कृतिक, एक कल्चरल क्या कंप्लेन चलाना चाहिए, इसका एक प्रारूप तैयार किया है। जब वो आएंगे तो मैं उनको दूंगा। इसके साथ आज 3 प्रस्ताव हम लोग, पता नहीं मतलब कैसे आयोजकों ने मुझे कहा प्रस्ताव हम पेश करने के लिए, पहले लेकिन ट्रेडिशन तो ये नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपके सामने ये रख देता हूँ। 3 प्रस्ताव आज के लिए यहाँ मैं पेश करना चाहता हूँ। संविधान बचाओ संघर्ष समिति का प्रस्ताव पहला प्रस्ताव है। यह सवाल छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के आरक्षण संबंधी फैसले को बहुजनों को उनके अधिकारों और उसके लिए एकताबद्ध होकर संघर्ष करने के लिए प्रेरित करने का एक महत्वपूर्ण कदम मानती है। इस सभा में मौजूद बहुजन समाज और प्रगतिशील और परिवर्तनगामी विचारधारा का पक्षधर सदस्य यह भरोसा दिलाता है कि वह अपने स्तर से देश भर में इस फैसले के समर्थन में विभिन्न तरह के कार्यक्रम आयोजित करने में अपनी भूमिका सुनिश्चित करेगा। खासतौर से छत्तीसगढ़ में तमाम सामाजिक और बहुजन संस्कृति के पंथक संगठनों से यह सभा आह्वान करती है कि वे आरक्षण संबंधी इस फैसले के सम्मान में ज्यादा से ज्यादा कार्यक्रम आयोजित करें। यह सभा समझती है कि आरक्षण के जरिए सामाजिक सशक्तिकरण की नींव को मजबूत करने के लिए सांस्कृतिक बाड़ा तैयार करना बहुजन समाज की जिम्मेवारी है। बहुजन संस्कृति की जमीन को ही मजबूत कर हम समान धर्मी सामाजिक राजनीतिक अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं। सभा में मौजूद सभी सदस्य यह सुनिश्चित करते हैं कि वह सामाजिक न्याय के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक मांगों के साथ बहुजन सांस्कृतिक आंदोलन को विकसित करने में अपनी सृजनात्मकता का योगदान देगा। ये पहला प्रस्ताव है साथियों, और इस प्रस्ताव पर अगर कोई सुझाव, कोई संशोधन हो तो आप लोग अपनी ओर से कहें और नहीं तो इसको हम लोग पारित करें, आपका हम इसमें समर्थन चाहेंगे। दूसरे साथियों, आपको मालूम है कश्मीर में क्या हो रहा है। यह सभा कश्मीर के मुतल्लिक भी एक प्रस्ताव यहाँ रख रही है आपके सामने। यह सभा कश्मीर के नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों पर हमले की घोर निंदा करती है और कश्मीर में तत्काल संवैधानिक अधिकारों को बहाल करने की मांग करती है। यह सभा गणराज्य की संवैधानिक भावनाओं के तहत कश्मीर के नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के पक्ष में तमाम सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक संगठनों को अभियान, कार्यक्रम आयोजित करने का आह्वान करती है। कश्मीरी आवाम के साथ यह सभा अपनी एकता जाहिर करती है। करके दूसरा प्रस्ताव था, इसके बारे में भी कोई संशोधन हो, कोई सुझाव हो आप दें, अन्यथा इसे भी आप पारित करें, आपसे समर्थन। तीसरा प्रस्ताव साथियों,
यह सभा केंद्र सरकार से अब जोर मांग करती है कि वह अगली जनगणना में जातिवार जनगणना को सुनिश्चित करने की व्यवस्था करे। सभा यह संकल्प करती है कि देश भर में बहुजन संगठनों के प्रत्येक कार्यक्रम में जाति जनगणना की मांग पर जोर दिया जाएगा और उपस्थित सदस्य इस आशय का प्रस्ताव पारित करने में अपनी भूमिका सुनिश्चित करेंगे। ताकि वो एक तीसरा प्रस्ताव है इसमें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।